तेरा मन स्वदेशी, तेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा ओवे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पुणे नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने का मौका मिल रहा है। हमारे भारत स्वाभिमान के मंडल प्रभारी भाई श्री बसंत जी और उनके सब सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ। दादा जोशी जी का बहुत आभार हूँ जिन्होंने ये सुंदर व्यवस्था की है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है। मैं आपसे इस बात के लिए छोड़ना चाहता हूँ कि बैठ के बात कर रहा हूँ और दूसरी इस बात के लिए छोड़ना चाहता हूँ कि हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से मराठी बोलना नहीं आता। भारत देश में पिछले एक वर्ष पहले अभियान एक शुरू हुआ जिसका नाम है भारत स्वाभिमान। 5 जनवरी 2009 को इस अभियान की स्थापना हुई हरिद्वार नगर में। अब ये अभियान भारत के 680 जिलों तक पहुंच गया। इस अभियान में 2,40,000 लोग शिक्षक इस समय काम कर रहे हैं और 10,000 से ज्यादा इस अभियान में पदाधिकारी हैं, केंद्र से लेकर और तहसील स्तर। अगले 2 वर्ष में लगभग 11,00,000 लोग शिक्षक इस अभियान में और आने वाले हैं। मैंने 2 वर्ष के बाद हमारे पास 13,40,000 से ज्यादा लोग शिक्षक होने वाले हैं और उस समय भारत के हर गाँव में हम पहुंच जाएंगे। भारत में इस समय 6,35,363 गाँव है। हर गाँव में हमारे 2 लोग शिक्षक हैं, ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत के करीब 5 करोड़ लोगों को हम इस अभियान का सदस्य बनाने वाले हैं, मेंबर की तरह उनको जोड़ने वाले हैं। अपने भारत देश में ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति अगर किसी अभियान का मेंबर बने तो वो कम से कम 10 लोगों को प्रभावित करता है, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में। हम ऐसा मानते हैं कि अगर 5 करोड़ लोग हमारे अभियान से जुड़ जाएंगे तो 50 करोड़ लोगों तक हम हमारी बात को पहुंचा पाएंगे। ये अभियान इतना व्यापक होने वाला है अगले 4 वर्षों में। आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आखिर इतना बड़ा अभियान करने की जरूरत क्या है। आजादी जब नहीं आएगी, इस देश में पर एक बहुत बड़ा अभियान चला था अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में और उसमें बहुत बड़ी संख्या थी काम करने वाले क्रांतिवीरों की। 1857 में जो प्रथम हमारा स्वाधीनता संग्राम हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, वो एक अभियान ही था और उसने 4,50,00,000 भारतवासियों ने भाग लिया था। 4,50,00,000 भारतवासी अंग्रेजों से लड़े थे और उस अभियान में 7,32,780 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी पूरे भारत देश में। उस अभियान में दो तीन ऐतिहासिक जानकारियां देना चाहता हूं। उस अभियान को शुरू किया था नाना साहब पेशवा ने, और नाना साहब पेशवा ने अभियान को शुरू किया था कानपुर के पास बिठूर नाम के एक छोटे से स्थान से, उत्तर भारत। धीरे धीरे ये अभियान चलते चलते पूरे भारत में पहुंच गया था। इस अभियान का संगठन भी बना था और उस संगठन के अध्यक्ष थे नाना साहब पेशवा, उसके उपाध्यक्ष थे कांतिलाल टोपे, उस संगठन की महासचिव थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे उसने लाखों पदाधिकारी थे सारे भारत देश में। उस अभियान का एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से भगाना। कारण उसका यह था कि अंग्रेजों ने बहुत बड़ा धोखा देकर हमारे देश पर अपना कब्जा कर लिया था। अंग्रेज आए तो थे इस देश में व्यापारी वर्ग के, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश के मालिक बन गए थे।
जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और भारत में वो व्यापार करने के लिए आए थे, तो उस समय की एक घटना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1599 लंदन में, और 1599 में ये जब कंपनी बनी तो उसके थोड़े दिन के बाद ये कंपनी दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई। कारण उसका क्या था, कंपनी जिन लोगों ने बनाई वो सब बैंकरप्ट में ही थे, उनके पास पैसे नहीं थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो उनका इनिशियल पेड अप कैपिटल जीरो था। जब ये कंपनी आई तो इसका एक अधिकारी था, उसका नाम था थॉमस लो, वो जहांगीर नाम का रहता था, उस समय भारत में उसके दरबार में गया और जहांगीर को उसने कहा कि हमको भारत में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए। तो जहांगीर ने उससे पूछा कि आप क्या व्यापार करेंगे, क्या बेचेंगे हम और क्या खरीदेंगे हमसे। तो थॉमस लो ने कहा कि बेचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं और खरीदने के लिए पैसे नहीं। थॉमस लो ने जहांगीर के सामने जो उत्तर दिया था कि हमारे पास बेचने को तो कुछ है नहीं और खरीदने के पैसे नहीं, तो जहांगीर ने पूछा फिर क्या व्यापार करोगे। तो थॉमस लो ने कहा कि हम भारत से कुछ सामान उधार लेंगे और उसको लंदन में बेचेंगे और उसमें से कुछ प्रॉफिट आएगा तो पहले अपनी जेब में रखेंगे फिर आपका उधार पैसा वापस कर देंगे। ये बिजनेस था ईस्ट इंडिया कंपनी, ना तो उनके पास पैसे थे खरीदने को ना बेचने को कुछ सामान था। आप लोगों में एक प्रश्न आ सकता है कि आखिर क्या कारण था कि उनके पास बेचने को कोई सामान नहीं और खरीदने को पैसे नहीं। बात ऐसी थी कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में उस समय इंग्लैंड बहुत गरीब देश था और इतना गरीब था कि वहां लोग भूख से मरते थे। इंग्लैंड का इतिहास अगर आप पढ़ें तो 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में 3,50,00,000 लोग वहां भूख से मर गए और 3,50,00,000 की लोक संख्या अगर समझनी हो तो इस समय ब्रिटेन की कुल लोक संख्या 5,80,00,000 है। इसमें से 3,50,00,000 लोग मर गए भूख से, मतलब बहुत बड़ा इलाका इंग्लैंड का भूख से मर गया। ऐसा कहें 70-75% देश मर गया भूख से, इतनी बड़ी भूखमरी थी उस समय। और ध्यान देने की बात है 3,50,00,000 लोग मरे थे भूख से, किसी ने उनके ऊपर हमला नहीं किया और इंग्लैंड में कोई महामारी भी नहीं फैली, भूख से मरे थे। और इतनी बड़ी भूखमरी क्यों हुई उस देश में, कारण यह था कि उस समय वहां कुछ होता ही नहीं था, खेती होती नहीं थी, उद्योग कोई था नहीं, व्यापार होता नहीं था। इंग्लैंड में खेती तो आज भी अच्छी नहीं है, 16वीं शताब्दी में तो बिल्कुल नहीं थी, खेती ही नहीं होती थी उस देश। आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि जो खेत है ना इंग्लैंड के उसमें बर्फ जमा रहती है साल में करीब 6-7 महीने और 8 महीने उनके यहाँ सूर्य नहीं निकलता। इंग्लैंड में जो है ना कभी कभी संडे होता, संडे माने छुट्टी है, संडे माने सूर्य का दिन, कभी कभी होता है, महीनों में एक आध बार होता है। अभी थोड़े दिन पहले परम पूजनीय स्वामी जी, मैं और हमारे बहुत सारे सहयोगी स्कॉटलैंड गए थे, तो जिस दिन हमने फ्लाइट पकड़ी दिल्ली से और हम ग्लासगो एयरपोर्ट पे उतरे उस दिन सूर्य निकल आया। तीन महीने में निकला। और हम जब गए थे तो अगस्त का महीना था,
अगस्त के महीने में तीन दिन तीन महीने पहले से सूर्य नहीं, तो कभी कभी सूर्य निकलता है वहां। अब जिस देश में सूर्य कभी कभी निकलता हो वहां कितना भी अच्छा बीज डालो खेत में कुछ पैदा नहीं होगा, क्योंकि बीज में अंकुरण होने के लिए सूर्य का प्रकाश होता है। और साल में छह सात महीने बर्फ अगर खेत में जमा है तो घास का तिनका भी पैदा नहीं हो सकता बर्फ में, इसलिए खेती तो अच्छी नहीं होती, आज भी नहीं होती पहले भी नहीं होती। तो सोलहवीं शताब्दी में खेती नहीं थी। अब खेत में कुछ नहीं होता तो उद्योग नहीं होते, तो उद्योग चलाने के लिए हमें रॉ मटीरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, वो खेत से आता है। मान लो हमको टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलानी है तो कॉटन चाहिए, कपास चाहिए, कपास तो खेत में पैदा होगी, कारखाने में नहीं होगी। हमें मान लो शुगर इंडस्ट्री चलानी है तो ऊस चाहिए, शुगर ग्रेन चाहिए, वो खेत में पैदा होगा। मान लो हमें रबर इंडस्ट्री चलानी तो रबर के पेड़ चाहिए जिसका दूध निकाले, और वो पेड़ तो खेत में होगा कारखाने में नहीं होगा। कोई भी इंडस्ट्री चलानी हो रॉ मटीरियल तो खेत से आता है, अगर खेती नहीं होगी कच्चा माल नहीं होगा तो उद्योग नहीं होगा, उद्योग था खेती थी, मतलब उद्योग भी नहीं है खेती भी नहीं तो व्यापार क्या होगा, क्या करेंगे व्यापार? आप कुछ उत्पादन तो करते नहीं, बेचेंगे क्या? और कुछ होता नहीं तो खरीदेंगे क्या? पैसे नहीं आपके पास, तो बहुत गरीब देश था इंडिया उस समय, बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो आए थे भारत में व्यापार करने। तब उन्होंने कहा कि हमारे पास बेचने को कुछ नहीं है, खरीदने को कुछ नहीं है, तो आप हमें उधार सामान दे दो, हम लंदन में बेचेंगे उसमें से कुछ प्रॉफिट मिलेगा तो आपको हम पैसा वापस करेंगे। और जर्मनी ने ये जानने के बाद भी लाइसेंस दे दिया। मुझे जर्मनी की बुद्धि के तरस आ, मैं आपके पुणे में आऊं और ये कहूं मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, आपके साथ बिजनेस करूंगा, खरीदने को मेरे पास पैसे नहीं, बेचने को कुछ नहीं है, आपसे उधार सामान लेके जाऊंगा, दिल्ली में बेचूंगा, फिर मुनाफा कमाऊंगा, आपका पैसा वापस करूंगा, आप बिजनेस करेंगे मेरे साथ? जहांगीर ने किया। ये जानने के बाद भी ऐसा लगता है उसका आई क्यू कम था, अगर हम पुणे में किसी भी साधारण व्यक्ति को पूछे जो सड़क में चलता है ऐसा बिजनेस करेगा नहीं करेगा, जहां भी इसने किया ऐसा बिजनेस और वही गलती हो गई, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दे दिया। जब लाइसेंस दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उस लाइसेंस की मैंने कॉपी दे दी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो लाइसेंस इशू किया जहांगीर ने उसकी कॉपी वहां रखी हुई है, तो वो मैंने पढ़ा तो वो अंग्रेजी में, और जहांगीर को अंग्रेजी नहीं आती। हाँ, तो मैंने खोजा कि फिर ये लिखा किसने, जहांगीर को अंग्रेजी नहीं आती थी तो वो जो थॉमस ने गया था उसी ने लिखा था, और जहांगीर ने उस पर सिक्का लगाया। अब उसमें जो लिखा है टेक्निकल वर्ड है ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दिया जाता है, तो इसमें जो मुख्य शब्द है वो है ट्रेड, व्यापार। अब ट्रेड के दो अर्थ होते हैं इंग्लिश में, जैसे हमारे मराठी में बहुत सारे शब्द हैं ना जिनके दो अर्थ है, हिंदी में बहुत सारे शब्द है, संस्कृत में, ऐसे ही अंग्रेजी में भी बहुत सारे शब्द है जिसके दो अर्थ है। ट्रेड का एक अर्थ होता है व्यापार, और ट्रेड का दूसरा अर्थ होता है लूट मार। एक तो है व्यापार कुछ खरीदो कुछ बेचो, और एक है प्लंडरिंग लूट मार। तो जब शब्द लिखा गया ना ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड करने का लाइसेंस दिया जाता है, तो अंग्रेजों ने उसका अर्थ निकाला कि हमको लूट मार करने का लाइसेंस नहीं गया। और जहांगीर का कैलकुलेशन था कि मैंने इनको व्यापार करने का लाइसेंस दिया, बस यही फंस गए। अंग्रेजी भाषा के इस ट्रेड शब्द ने हमको बुलाया है। अगर हमें अच्छे से अंग्रेजी आती होती, मानी जहांगीर को आती होती, तो शायद वो ना देता।
और अंग्रेजी भाषा थोड़ी धोखा देने वाली भाषा है। इस भाषा में एक ही शब्द के एक दूसरे से विपरीत अर्थ भी हो सकते हैं। मराठी में नहीं हो सकते, संस्कृत में नहीं हो सकते। हमारे यहाँ एक ही शब्द के एक समान अर्थ वाले तो नहीं शब्द मिलेंगे, लेकिन विपरीत अर्थ वाले एक ही शब्द के नहीं मिलेंगे। अंग्रेजी में है ऐसा, ट्रेड का एक अर्थ व्यापार, दूसरा लूट मार, तुमको मिल गया ट्रेडिंग का लाइसेंस, लूटो भारत को। तो जहांगीर से लाइसेंस लेके वो गए सूरत में और सबसे पहले पारसी व्यापारी को लूटा अंग्रेजों ने सूरत में। सूरत क्यों गए? क्योंकि उनको ये मालूम था कि सूरत सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र है इस समय भारत का। 16वीं शताब्दी में सूरत की ऐसी हैसियत थी जैसी इस समय मुंबई की, और सूरत के बारे में कुछ फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों से पहले फ्रांसीसी आए थे, उनसे पहले डच लोग आए थे, तो इन लोगों ने बहुत सारी पुस्तकें लिख रखी थी सूरत के बारे में। और सूरत का वर्णन है फ्रेंच बुक्स में कि सूरत के एक एक घर में इतना सोना है कि वो ढेर लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर होता है। सूरत के घरों में इतना सोना, सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा है कि